आजकल पहले मैं बड़ा फनी करता था, आजकल बहुत चुप हो गया हूँ, इसलिए कंट्रोवर्सी बहुत होता है मेरे लिए, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत महसूस होता है कि खेसारी कुछ भी बोल देता है। इसलिए पहले धड़ बोलता था, अब कम कर दिया हूँ, तनी सोच सोच के बोलना पड़ता है कि नहीं किसको कौन सी बातें लग गई, क्योंकि अब थोड़ा सा पहले नादानी थी, अब समाज में रहते रहते और लोगों का प्यार पाते पाते, और मुझे भी कम गाली थोड़ी मिली है। अब जब मैं गया था दिन मनोज जी के प्रचार करने के लिए तो मुझे भी गालियाँ मिली है, लेकिन क्या मतलब, आज हमारे पापा आज हमें 2 पैसे नहीं दे रहे हैं तो हम उनको गाली थोड़ी देंगे, इंतज़ार करेंगे ना कि मेरा पापा आगे मुझे क्या, मेरी किस्मत मेरे लिए क्या करते हैं। अगर कोई बेटा किसी बाप को अगर ज़रूरत की चीज़ आज नहीं दे रहा है तो इंतज़ार करिए ना, कल तो देगा ना आपके लिए, उसके लिए अपने बाप को गाली तो नहीं देगा ना कोई, अपने बेटा को गाली तो नहीं देगा ना कोई बाप। तो ये हमारे पिता की तरह हैं, और इनको मारने का भी हक है, खेसारी को गाली देने का भी हक है, और जनता जो होती है ईश्वर के स्वरूप होती है, एक छोटे से मंदिर को भी बड़ा बना देती है जब वो लाइन लगा कर पूजा करती है, और बड़े मंदिर को भी कोई नहीं देखता है जब जनता का प्यार उस मंदिर को, तो भगवान को भी ज़रूरत जनता को होती है अपने आप को बड़ा करने के लिए। तो ये जनता जो है साक्षात ईश्वर है, और ईश्वर जो बोल रहा है वही आपकी दुनिया है। तो हमें हर आदमी को आज देखिए फेसबुक पे बहुत सारी चीज़ें होती है, तो जिसके पास वक्त है, जिसके पास कोई काम धंधा नहीं है, वो पूरे दिन फेसबुक पर वही कमेंट करना, लोगों को गाली देना, किसी को बुरा बोल देना, राजनीति की बातें। जितना देर, मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना देर आप अपने फेसबुक पे और अपने मोबाइल पे व्यस्त रहते हैं, अगर उतना देर अपने बच्चों के भविष्य के लिए, आप अपने जीवन के लिए सोचें तो शायद हमारा जीवन इससे बेहतर होगा, और हमें किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं होगी। जिस खेसारी को आप प्यार करते हैं उस खेसारी की तरह बनना है तो आपको अपने जीवन का धारा चेंज करना पड़ेगा। आपको जितना फोकस आप फालतू चीज़ में करते हैं उस फोकस को आप अपने काम में लगा दीजिए, अपने खुद पे लगा दीजिए, तो दुनिया बड़ी छोटी है और ये दुनिया बहुत बड़ी, करने वाले के लिए बहुत छोटी चीज़ हो जाती है। खेसारी जी, आपके काम से ब्लड आ रहा है, अभी काम का भी नाम दिया है। अरे ठीक है, कल चोट लग गई थी मुझे, और बहुत तगड़ा चोट लगा था, तो मैं एक्सरे कराया हूँ, ठीक ठाक है अभी, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो फिर शूट पे ही जाऊँगा। चोट लगने के बाद भी मैंने 1 घंटे काम किया ताकि किसी प्रोड्यूसर का नुकसान ना हो, लेकिन फिर भी बर्दाश्त नहीं हुआ, अंधेरा अंधेरा हो रहा था मेरे आंखों के नीचे। फाइट सीजन चल रहा क्या? हाँ, फाइट सीजन सीन चल रहा था मेरा, वो एक सिनेमा है जो मेरा सही आरब गिले ना, उसी में एक अंग्रेज के साथ मेरी फाइट होती है, उसी में लग गया, वो अंग्रेज था बेचारा, मार दिया तो फूल गया सब, बर्फ से धोए, लेकिन रात भर एक एक अलग से सो रहे थे। बदला लेंगे उस अंग्रेज से आप? आए, अंग्रेज से बदला लेंगे आप? रियल होता तो ले लेता लेकिन फिल्म है, कैसे लूँ, फिल्मों में ले ही रहा हूँ, उससे ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन ओरिजिनल में नहीं, क्या करें, दिक्कत है, हमारा प्रॉब्लम है। फिर एक्सरे कराया, और करा के आया तो 6 बजे सुबह सोया, तब तक आपकी टीम आ गई। तो बस यही है, मैं जीवन में यही चाहता हूँ कि अगर हम किसी की सिर्फ बुराई करें, आज कुली नंबर 1 में मैंने एक आईना दिखाया है, और हर आदमी उस आईना को देखने का काम करेगा, तो मुझे लगता है कि हर आदमी उस आईना को अपने बच्चों के अंदर ढालने का काम करेगा, और हर बच्चे अपने पिता और माँ के अंदर वो खूबसूरती और वो खुशियाँ देखने की और ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो शायद इस धरती पर कोई अनाथ नहीं होगा। तो मेरी कोशिश यही है, बशर्ते अब तो जनता का ये डिसीजन है, इनका प्यार है कि एक अच्छी चीज़ को कितना मोहब्बत देते हैं, कितना प्यार देते हैं। आज एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि सारी पार्टियाँ ने मोदी जी की बुराई करने पे फोकस किया, उन्होंने राष्ट्रवाद की बात की। जीत तभी होती है जब हम अपनी बातें करते हैं, बाकी पार्टियों का दशा क्या हुआ, लंका के रावण की तरह, हनुमान जी गए, कपड़ा किसका, रावण का, तेल किसका, रावण का, माचिस किसका, रावण का, जली किसकी, रावण की, मंच उनके होते थे, माइक उनके होते थे, स्टेज उनके होते थे, लोग उनके होते थे, और बात किसकी होती थी, मोदी जी की। हम अपनी बातें नहीं रख पाते हैं, तो हमें ज़रूरत है जो हम किसी और की बातों को लेकर किसी और को दोषी ठहराने से अच्छा है कि हम अपने जीवन की बातें इतना अच्छा कुछ कर दें कि दुनिया हमारी बातें करे। हमारी बुराई में भी हमारी सच्चाई है, अगर जिसको, और आज की दुनिया पढ़ी लिखी है, पहले के लोग अनपढ़ थे, तो एक पढ़ा लिखा आदमी का हर आदमी बात मानता था कि नहीं यार वो पढ़ा लिखा है, उसकी बातों को मान लो, क्योंकि बाकी सब अनपढ़ थे, तो उनको लगता था कि ये ज्ञानी है, उनके मन में ये बैठ गया था। लेकिन आज हर घर में MBBS लड़के हैं, BCOM किए हैं,
यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, विदेश पढ़ रहा है, माने हर घर में आज शिक्षित लोग हैं, तो आप उनको नहीं बरगला सकते और आप उनको उल्लू नहीं बना सकते, क्योंकि हर बच्चा आज सोशल मीडिया पे एक्टिव है, वो जानता है कि सच्चाई क्या है और बुराई क्या है। तो हमें ज़मीनी लेवल पे हर नेताओं को भी बात करूंगा और मैं हर स्टार को भी बात करूंगा कि हम पल भर के खुशी के लिए हो सकता है कि गंदा गाना गा दें, लेकिन अगर पूरी जीवन की खुशी चाहिए, हमने गाया है बीच में बहुत सारी चीज़ें, जब मुझे आभास नहीं था आज से 4-5 साल पहले, तो मैंने भी चीज़ें की, उस समय ज्ञान नहीं था मुझे, लेकिन जब से समाज का आईना मुझे मेरे सामने आया है, तब से उस चीज़ों को बदलने में मुझे टाइम लग रहा है। तो मैं आने वाले पीढ़ी को भी कहूँगा कि अच्छी चीज़ों पर आप चुनाव करेंगे, ठीक है, आप गाइए गाइए, लेकिन उसमें किसी को व्यक्तिगत किसी को कोई ठेस नहीं पहुँचे, किसी भी माँ बहन को ठेस नहीं पहुँचे, किसी भी लड़की को जो जाने वाली रास्ता है, कोई ज़रूरी नहीं कि वो किसी की वाइफ ही है, वो किसी की बहन भी हो सकती है। तो अगर हर लड़की को जाने वाले रास्ते पे बहन हम समझे, तो हमारी भी बहन उस रास्ते से जाती है, तो ये दुनिया भी उस बहन को बहन ही समझेगी। तो हमें खुद को बदलने की ज़रूरत है और एक समाज का आईना है कुलीन नंबर वन। तो हमारी कोशिश है कि और हमारा विश्वास भी है कि हमारी जनता उसको ढेर सारा प्यार ज़रूर देगी, क्योंकि वो एक सोशल वेस पे कहानी है और दुनिया का समाज का आईना है। तो कोशिश हमारी है, बस अब जनता का प्यार का जो भी फैसला होगा मेरे सराखों पे होगा, ये अगर मुझे एक्सेप्ट करती है तो भी अच्छा है, और नहीं भी करेगी तो भी मैं इनके दिल में ही रहने वाला हूँ, फिर कोशिश करूँगा कि क्योंकि हार को जीतने वाले को ही बाजीगर कहा जाता है। और बहुत दिन बाद मेरा सिनेमा रिलीज हो रहा है, लास्ट सिनेमा मेरा रिलीज हुआ था अक्टूबर में, तो मुझे लगता है कि 7-8 महीने बाद मेरा एक सिनेमा रिलीज़ हो रहा है, और इसीलिए मैंने अच्छे सिनेमा का चुनाव किया है कि नहीं, जो सिनेमा मेरा अच्छा है उसके लिए मैं फोकस करूंगा और दुनिया को बताऊंगा कि मेरा सिनेमा बहुत अच्छा है।